कोरोना के लॉकडाउन के चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है और इसका सबसे ज़्यादा असर दिल्ली के रेवेन्यूज़ पर भी पड़ा है। हमने सारा रिव्यू किया है दिल्ली के सरकार के रेवेन्यू का और दिल्ली के जितने मिनिमम खर्चे हैं उनको चलाने के लिए। तो अभी ये समझ में आया कि दिल्ली सरकार को लगभग केवल सैलरी देने के लिए और ऑफिस के ज़रूरी खर्च उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने की ज़रूरत है, जबकि पिछले दो महीने में जो GST का कलेक्शन है, जो टैक्सेस का कलेक्शन है, वो करीब 500 करोड़ रुपए दो महीने है। बाकी और सोर्सेज से भी मिला के दिल्ली सरकार के पास में अभी तक कुल मिला के 1700 करोड़ रुपए आए हैं, 1735 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि ज़रूरत है दो महीने के अंदर देखें तो 7,000 करोड़ रुपए की। तो इस वक्त दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट ये भी है कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे दी जाए। वैसे में मैंने केंद्र सरकार से तुरंत राहत के तौर पे दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके इसके लिए और दिल्ली के और बाकी ज़रूरी काम तुरंत ऑफिसेज के चलाए जा सकें इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वो दिल्ली सरकार के लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दें, क्योंकि उन्होंने आपदा राहत कोष में से जो राज्यों को पैसा दिया है वो पैसा दिल्ली सरकार को नहीं मिला है। उसकी वजह से दिल्ली में फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और दिल्ली के पास भी टैक्सेस नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार से अदरवाइज भी कोई सहायता नहीं मिलती है दिल्ली सरकार को। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि लॉकडाउन की वजह से जो अभी आर्थिक परेशानी दिल्ली सरकार के रेवेन्यूज़ पर आई है उसको मीट करने के लिए, ताकि दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को, अपने टीचर्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपने इंजीनियर्स को, अपने बाकी कर्मचारियों को, सिविल डिफेंस के लोगों को, जो लोग भी इस वक्त कोरोना संकट पर काम कर रहे हैं, उन सबको तनख्वाह दे सके, इसके लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है दिल्ली सरकार को। और मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिख के उनसे ये मांग की है, यही आपके सामने रखना था। थैंक यू।